हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम जिस प्लांट के बारे में बात करेंगे, इसका नाम है आइस प्लांट। इसको मिसमरी एंथिमा भी बोलते हैं और मिसमरी भी बोलते हैं उर्दू में। ये देखें इसके फ्लावर, ये देखें मेरा पूरा पॉट इससे भरा हुआ है, इसके फ्लावर से। ये मैंने मिक्स कलर के सीड्स लगाए थे, अक्टूबर नवंबर में इसके सीड लगते हैं, तो ये जाके कहीं फरवरी के एंड में फ्लावरिंग करना स्टार्ट करता है। देखें इसमें कितने प्यारे प्यारे कलर हैं। तो ये लगाने एक ही पॉट में अगर आप लगाएंगे इसको, तो ये पूरा पॉट आपका फुल हो जाएगा मिक्स सीड अगर आप लगाएंगे तो। ये देखें, तो इसके ये फ्लावर धूप में खिलते हैं, तो शाम होती है तो ये बंद हो जाते हैं इसके फूल। तो सुबह के टाइम फिर जब धूप निकलती है तो फिर इसके फूल दोबारा से खिल जाते हैं। फुल धूप का प्लांट है, आप इसको फुल धूप में रखें तो ये ज़्यादा इसके फ्लावर खिलेंगे। तो मिट्टी की अगर बात की जाए तो मिट्टी इसकी वेल ड्रेन ही रखें, क्योंकि ये सकुलेंट प्लांट है, तो इसको ज़्यादा पानी देंगे तो ये ख़राब हो जाएगा आपका प्लांट। तो एक और बात के, इसके जो लीव्स हैं जो गमले के साथ टच होते हैं, ये इस तरह येलो हो जाते हैं, तो आप इनको साथ साथ हटाते जाएंगे। देखें नीचे से, इनको आपने साथ साथ हटाते जाना है, ये जो लीव्स हैं इसके नीचे से, तो ये अच्छे से चलेगा आपका प्लांट। तो अगर आपके पास अभी ये प्लांट नहीं है तो आप नर्सरी से ले सकते हैं ये प्लांट, तो फिर आप उसके सीड कलेक्ट कर लें, नेक्स्ट सीजन उसको लगाएं, तो आप एक प्लांट से कितने प्लांट और तैयार कर सकते हैं मज़ीद। इसके सीड्स ये जब फ्लावर खिल जाते हैं तो ये देखें इस तरह से खिल चुका ये, तो अब ये जब सूख जाएगा, सूखने में बहुत टाइम इसको लगेगा, तो जब ये मुकम्मल तौर पे सूख जाएगा ना, तब हम इसको निकालेंगे। तो इसके सीड्स ब्लैक कलर के होते हैं छोटे छोटे, तो उनको कलेक्ट कर लेंगे नेक्स्ट सीज़न के लिए, तो नेक्स्ट सीज़न भी हम इनको लगाएंगे, तो फिर हमारे पास मज़ीद ये प्लांट तैयार हो जाएंगे। इसको आइस प्लांट इसलिए कहा जाता है, ये देखें इस पर बर्फ़ की तरह ये निशान होते हैं, देखें लीव्स इसके, टेनिया इसके चेक करें, बहुत ही नाजुक प्लांट है, इसकी टेनिया इतनी नरम है, ये देखें बहुत ही नरम इसकी टेनिया है। इसको एज अ हैंगिंग प्लांट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी छोटे से पॉट में लगाकर एक पौधा, तो आप उसको हैंग कर सकते हैं। ये देखें फुल ऑफ फ्लावर्स, काफ़ी खिल चुके हैं ये देखें, और बहुत सारे भी खिलने बाकी हैं, ये अब खिल चुके हैं। ये भी देखें, इसकी सीड पॉट है, तो इसको ड्राई होने में काफ़ी वक्त लग जाएगा, तो जब इसका सीज़न एंड होगा तो हम फिर ये जो इसके फूल खिल चुके हैं ड्राई हो जाएंगे सीड पॉट, तो हम इसके सीड कलेक्ट करेंगे, तो आपको दिखाएंगे वीडियो बना के कैसे इसके सीड कलेक्ट करना है। ये देखें इसके लीव्स येलो, ये बस साथ साथ आप बताते जाएँ। पानी इसको अगर आप वेल ड्रेन मिट्टी है ना, ये चेक करें, ये वेल ड्रेन मिट्टी है इसकी, तो धूप में अगर प्लांट आपका पड़ा हुआ है तो आप इसको रोज़ पानी देंगे, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी मिट्टी वेल ड्रेन नहीं है तो आप इसको अगर रोज़ पानी देंगे तो ये पौधा आपका ख़राब हो जाएगा। ये देखें कलर इसमें बहुत प्यारे हैं, देखें पूरा ये पॉट भरा हुआ है फ्लावर से। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। काइंडली वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।